सो हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल पेस्टन। सो गाइज, आज है हमारे सामने हमारी रॉयल इनफील्ड थंडरबोल्ट 350X। एंड आज ही हमारे सामने इसलिए जस्ट बिकॉज इसके साथ बहुत ही फनी एंड वियर्ड इंसिडेंट हुआ है। एंड वो इंसिडेंट ऐसा है कि आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होने वाला है। एंड जब आप उसके रीज़न जानोगे तब तो आप कहोगे कि भाई ऐसा हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। मेरी मानो तो मैं भी इस चीज़ को फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो चलो अब मैं वो इंसिडेंट आपको दिखाता हूँ। जैसा कभी आप देख रहे हो कि हमारी बाइक आपको बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही होगी, साथ में इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, बट आपको पता है इसके साथ क्या हुआ है? तो वो हुआ है ये, देख रहे हैं आपको, ये लिटरली हमारे बाइक से टूट के अलग हो चुकी है। लाइक आप इसका क्लैंप देख सकते हो, ये दो पॉइंट से हमारे बाइक से अटैच रहती है, बट ये लिटरली टूट चुकी है। तो चलो अब आप गेस करो कि इसके टूटने का रीज़न क्या है। आपके गेसिंग में हेल्प करने के लिए मैं आपको आज तीन ऑप्शन देने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ कि इस बाइक का कहीं एक्सीडेंट हुआ है, सेकेंड वन इज़ कि इसके साथ किसी बच्चे ने कुछ खुराफात करी है, या थर्ड वन इज़ कि इस पर कोई हेवी वेट की चीज़ गिरी होगी। तो गाइस, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कराया तो आप गलत हो। यप, आप गलत हो, क्योंकि इसके टूटने का रीज़न है इस बाइक का वाइब्रेशन। ऑनेस्टली सेइंग, ये बाइक वाइब्रेट करती है, एंड ये मुझे बहुत स्टार्टिंग से पता था, बट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। एंड सच कहूँ, जब से मैंने इस इंसिडेंट को देखा है, लाइक मेरा तो बिलीव ही उठ चुका है रॉयल इनफील्ड से। जैसा कि भी आप देख सकते हो, इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर लिटरली मेरे हाथों में घूम रहा है। एंड सच बताओ तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, जस्ट बिकॉज़ ये रॉयल इनफील्ड की बाइक है यार। लिटरली इसे लोग बाग इसीलिए ख़रीदते हैं, जस्ट बिकॉज वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा टफ़ एंड रिजिड बाइक कोई और नहीं हो सकती। बट अगर वही हमें ऐसी चीज़ें दिखाएंगी तो हमारा बिलीव कैसे बनेगा रॉयल इनफील्ड पर? ऑनेस्टली सेइंग, ये फर्स्ट बाइक है जिसमें मैंने ऐसी चीज़ें देखी है। सच बताऊँ तो मैंने बहुत से बाइक ड्राइव करे हैं, एंड लिटरली बहुत गंदे रोडों पर भी चला है और बहुत अच्छे रोड पे भी चला है, बट कभी भी ऐसा इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा है। बट अगर आप रॉयल इनफील्ड के ऑनर हो तो भाई आपकी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व नहीं होने वाली। लाइक अगर आपके बाइक का कोई पार्ट डैमेज भी हो जाता है, एंड इन सम केसेस बाइक की वजह से ही आपके बाइक का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, फिर भी आप प्रॉब्लम में हो। जस्ट बिकॉज अगर आप उस चीज़ को रिप्लेस कराने सर्विस सेंटर में जाते हो तो उनके पास वो पार्ट्स अवेलेबल होती ही नहीं है। लिटरली छोटे से छोटे पार्ट्स शोरूम वालों के पास या सर्विस सेंटर वालों के पास अवेलेबल नहीं होती है। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई भी इसके स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर देके मंगवाते हो तो उनका कोई भी एक डिफाइंड टाइम नहीं होता है। लाइक वो आपको कह देंगे कि सर एक महीने में आ जाएगा, बट इन सम केसेस वो दो दो तीन तीन महीने तक खींच देते हैं। तो ये एक रॉयल इनफील्ड की सबसे बुरी बात मुझे लगती है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, तो मैं अब तक 3 से 4 सर्विस सेंटर में पूछ चुका हूँ, बट अभी तक मुझे ये क्लैंप नहीं मिला है। बट फाइनली जाके अभी मैं सर्विस सेंटर पे ही खड़ा हूँ और मुझे इसका क्लैंप मिला है। एंड भले इसका प्राइस कुछ भी हो, बट रॉयल इनफील्ड को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। अगर आपके बाइक के वाइब्रेशंस की वजह से आपके बाइक में ही लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को वो चीज़ें खटकती हैं, एंड इसकी वजह से रॉयल इनफील्ड की वैल्यू अच्छी खासी गिर सकती है। तो कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, एंड साथ में रॉयल इनफील्ड के सर्विस को भी बेटर करना चाहिए, जस्ट बिकॉज आज के टाइम पर मैक्सिमम रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर्स ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर कोई भी रॉयल इनफील्ड से इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने सर्विस सेंटर्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दो, बिकॉज उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो अभी मैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर के नीचे ही हूँ, एंड यहाँ पे मुझे ये पार्ट अवेलेबल हो गई है, एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 100 रुपीज़ ओनली। होप रॉयल इनफील्ड ने अपनी न्यू जनरेशन की बाइक में चीज़ों को सुधार दिया होगा। सो गाइज, इस वीडियो को इसी नोट पे करते हैं खत्म। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय बाय।